नमस्कार, पुरवैया ब्रेकिंग में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त बड़ी खबर पटना से मिल रही है। हड़ताल पर चले गए IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और अस्पताल में इस वक्त स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई है। कल मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने हंगामा किया था और इस हंगामे में महिला डॉक्टर से बदसलूकी करने का आरोप भी लगा था मरीज के परिवार वालों पर। इसके बाद से ही IGIMS के तमाम जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और हम आपको बता दें कि कल ही दुकानों में हड़ताल थी, तमाम दवा की दुकानें बंद थी, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और इस वक्त जो खबर मिलकर सामने आ रही है निकलकर कि पटना के IGIMS में, जहां पर बिहार भर के मरीज आकर भर्ती होते हैं, तमाम दूर दूर के इलाकों से मरीज आते हैं, IGIMS के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और फिलहाल अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठप पड़ गई हैं। हम आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो कल एक मरीज की मौत हो गई थी, उसके बाद मरीज के परिवार वालों ने हंगामा मचाया था और इस हंगामे में यह भी आरोप लगाया है डॉक्टरों ने कि एक महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी भी की गई। तो इसके बाद आज तमाम डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। IGIMS के तमाम जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है। तमाम मरीज जो दूर दराज के इलाके से आए हैं, गंभीर मरीज हैं, उनकी हालत गंभीर है, लेकिन उसको देखने वाला फिलहाल IGIMS में कोई नहीं है, क्योंकि जो तमाम डॉक्टर हैं वो इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी जो मांग है वो कल एक मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों ने हंगामा मचाया था, जिसमें ये भी आरोप है कि महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की गई। हम आपको ये भी बता दें कि PMCH में भी इस तरह के नियम बनाए गए थे। अभी हाल ही में PMCH इस तरह का कानून बनाने जा रही थी जिसमें अगर कोई मरीज के परिवार वाले अगर हंगामा मचाते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अब इस तरह की खबर निकलकर यहां से सामने आ रही है कि IGIMS के तमाम डॉक्टर इस वक्त हड़ताल पर चले गए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, क्या था पूरा मामला और फिलहाल डॉक्टर हड़ताल से वापस कैसे लौटे, इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। कल दरअसल एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए थे और महिला डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की बात सामने आ रही थी और उसके बाद से ही हालात लगातार बिगड़ते चले गए। और IGIMS में फिलहाल अभी पूरी तरह से काम ठप हो चुका है, तमाम डॉक्टर गोलबंद हो चुके हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था की जब तक व्यवस्था नहीं होती है, या फिर और जो कल जिस तरह से लोगों ने छेड़खानी की थी, जो लोग भी थे उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ही मामला शांत हो पाएगा। तो सर, मामला जो है वो आपने देखा होगा कि PMCH में जिस तरह से लगातार हंगामे की खबर आती थी, अब IGIMS भी उसी पैटर्न पर चल पड़ा है और परिजन और डॉक्टरों के बीच मारपीट और छेड़खानी की बात सामने आ रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है कि मामले को किस तरह से शांत कराया जाए। हालांकि जो डायरेक्टर है IGIMS के, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को शांत कराया जाए, डॉक्टरों को समझाया जाए, लेकिन फिलहाल अभी सभी डॉक्टर एकजुट हैं, OPD में काम बंद हो चुका है और पूरी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है IGIMS की। आशुतोष, डॉक्टरी का जो पेशा होता है उसमें अगर हम बात करें तो अगर किसी ने हंगामा मचाया भी है, अगर किसी मरीज के परिवार वाले आरोपी हैं भी, उसके बाद तमाम डॉक्टरों का हड़ताल पर चले जाना और ऐसे ही छोड़ देना, जो दूर दराज के इलाकों से गंभीर मरीज IGIMS में आए हैं उसको ऐसे ही छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है ये, और ये सवाल लगातार उठते रहे हैं, खासतौर से PMCH के संदर्भ में तो उठते रहे हैं। अब IGIMS भी उसी पैटर्न पर आकर खड़ा हो चुका है जी। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि वाकई क्या सभी एक अगर मरीज और उसके परिजन की गलती होती है तो क्या सभी मरीजों को उसकी सजा मिलनी चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है जी। और डॉक्टरी चूंकि पेशा ऐसा है जिसमें डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, और ऐसे में अगर एक दिन भी भगवान अगर नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी क्या स्थिति होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में मानवता के आधार पर इस तरह का विरोध कहीं उचित नहीं ठहराया जा सकता है, इस तरह के विरोध को। ऐसे में डॉक्टरों को सोचना चाहिए जी। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई जी, है जी। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो IGIMS में फिलहाल जो है वो डॉक्टर तमाम हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि लोगों को भी सोचना होगा कि डॉक्टरों के साथ वो इस तरह की बदसलूकी ना करें, लेकिन डॉक्टरों को भी सोचना होगा कि अगर किसी एक मरीज के परिवार वालों ने हंगामा मचाया भी है तो तमाम मरीज, गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज, एक्सीडेंट के बाद अस्पताल पहुंचे मरीज और दूर दराज के इलाकों से पहुंचे मरीजों को क्या इसकी सजा देनी चाहिए।
आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर मिल रही है गया से। गया में दो जगहों पर बम मिला है। बाके बाजार और परैया थाना इलाके में लैंड माइंस और आईईडी बम मिला है। दोनों बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है। इससे पहले बुधवार को भी गया में बम बरामद हुआ था। कल गया में भी मतदान होना है। हम आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये, हालांकि कल ही चुनाव है गया में, उससे पहले ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बांके बाजार और परैया थाना इलाके में लैंड माइंस और आईडी बम मिला है, तो एक बड़ी कामयाबी इस वक्त मानी जा रही है पुलिस के लिए। और दोनों बमों को फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश। राकेश, बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि ये बांके बाजार थाना अंतर्गत संगाइस में एक लैंड माइन मिला है। वहीं दूसरी ओर परैया थाना क्षेत्र में एक आईडी बम मिला है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लगातार जब हमारे अलग कल चुनाव मतदान होना है, उसके लेके सर्च अभियान तेज हो चुकी है। जी राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गया से जी मीडिया संवाददाता राकेश हमें बता रहे थे कि पुलिस को ठीक चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और यकीन मानिए कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ही इन बमों को प्लांट करने की तैयारी हो रही थी, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया। आगे बढ़ेंगे। माओवादियों के पलामू बंद का खासा असर पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। बंद के कारण छोटे बड़े वाहन नहीं चल रहे हैं, जबकि रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। हालांकि नक्सलियों ने प्रेस वाहन, एम्बुलेंस और दूध वाहन को बंद से मुक्त रखा है। वहीं बंद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। पाटन थाने के सरई डी गांव में लगे भूत मेला के दौरान ग्रामीणों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में माओवादियों ने यह बंद बुलाया है। तो हम आपको बता दें कि यह बंद पलामू में नक्सलियों ने बुलाया है, और फिलहाल इस बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। और गाड़ियों की जो आवाजाही है वो लगभग ठप है, और रेल यातायात पर भी इसका असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो नक्सलियों के बंद का व्यापक असर इस वक्त पलामू में देखा जा रहा है। हालांकि नक्सलियों ने जरूरी चीज़ों को बंद से मुक्त रखा है। एम्बुलेंस, दूध, प्रेस वाहन को नक्सलियों ने हालांकि बंद से मुक्त रखा है, लेकिन फिर भी पलामू में सामान्य जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम गाड़ियां अपनी अपनी जगहों पर खड़ी हैं। पुलिस के जवान गश्ती लगा रहे हैं ताकि कोई अनहोनी न हो सके, लेकिन रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। हालांकि नक्सलियों ने इस बंद से ज़रूरी चीज़ों को मुक्त रखा है और जो तमाम चीज़ें हैं उनमें छूट दी। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता अमित। अमित, बंद का कितना असर देखा जा रहा है? जी, आपको बता दें कि आज माओवादी का पलामू बंद है, और कुछ पिछले चार दिन पहले पाटन थाना क्षेत्र के आपको सरईडी गांव में भूत मेला का आयोजन किया जा रहा था। उसी दौरान अंधविश्वास को खत्म करने को लेकर पलामू पुलिस ने एक अभियान चलाया था, जिसमें अभियान चलाने के दौरान वहां के ग्रामीणों पर और वहां के श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज करने के दौरान दोनों में ग्रामीणों और पुलिसों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी और लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इसी के विरोध में आज माओवादियों ने पलामू बंद बुलाया है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित हमें बता रहे थे कि माओवादियों के बंद का फिलहाल पलामू में पूरा असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर रांची से है। रांची में सिविल कोर्ट ने इंतजार अली को जमानत दे दी है। 20 अगस्त को ट्रेन में इंतजार अली को विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इंतजार अली पिछले 55 दिनों से जेल में बंद थे। पेशे से रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर इंतजार अली को कित्ता स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद ये मामला सुर्खियों में भी आया था, और आज इंतजार अली को जमानत दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, जितने गंभीर इल्जाम लगाए गए थे इंतजार अली पर, तो चौंकाने वाला मामला है ना जमानत मिलने के बाद? जी राजेश, कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला जो प्रकाश में आया था, इसमें कहीं ना कहीं इसकी भी काफी बदनामी हुई है कि जिस तरह से इंतजार अली को जो विस्फोटकों के साथ गिरफ्तारी दिखाई गई थी, उस पूरे मामले में ही पुलिस जो है कहीं ना कहीं खुद जो है रेल पुलिस या फिर
जो भी इसमें जो इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई थी वो खुद ही कटघरे में खड़ी होगी, क्योंकि एनआईए ने जब जांच की तो उसे भी विस्फोटकों के मामले में गिरफ्तारी जो इंतजार अली की हुई थी उसमें कुछ भी उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जिससे इंतजार अली के पास से वो विस्फोटक मिले हैं। इसके बाद रेलवे की डीआईजी ने भी जांच की, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब इंतजार अली के परिवार वालों ने अपने पति की रिहाई की मांग को लेकर के जब सीएम से मिले तो सीएम ने तो सीआईडी जांच की आदेश दिया, और सीआईडी जांच में भी चौंकाने वाला थी आया कि इस पूरे मामले में जो इंतजार अली की कहीं भी संलिप्तता नहीं नजर आई, जिसके बाद जो है जो सीआईडी ने जो है अपना जो रिपोर्ट है वो अपनी जो केस डायरी है वो कोर्ट में 12 अक्टूबर को सौंपा। उसके बाद आज उनकी जो है जमानत पे दस हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया गया। कहीं ना कहीं कहा जाता था जिस तरह से इस मामले में जो मुखबिर थे उनकी जो है संलिप्तता थी कि मुखबिरों ने गलत तरीके से जो है चाहे किसी अधिकारी को फायदा पहुंचाने के लिए या किसी अन्य तरह के फायदा पहुंचाने के लिए जो ही इस पूरे मामले को जो है रचा था और जो मामला जो है उसके बाद सामने आया था। जी राजेश जी आशुतोष बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोर्ट में जो पक्ष रखा था वो उतना मजबूत नहीं था और जो गवाहों की जो संलिप्तता थी वो भी पूरी तरीके से भरोसेमंद नहीं रही, नतीजा इंतजार अली को कोर्ट ने जमानत दे दी। देवघर से यहां हत्या के विरोध में हंगामा मचाया गया है, लोगों ने देवघर दुमका मेन रोड को जाम कर दिया है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मोहनपुर में हुई थी एक व्यक्ति की हत्या और कल देर शाम उसका शव मिला था, तो इसके बाद जो तमाम लोग हैं वो आक्रोशित हो गए। मोहनपुर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, कल देर शाम शव मिला, अब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देवघर दुमका मेन रोड को जाम कर दिया गया और हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, तमाम लोग आक्रोशित हो गए। इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवघर संवाददाता दीप नारायण। दीप, किस तरीके से ये हंगामा हुआ है और कहाँ की ये घटना है और फिलहाल लोग क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, घटना देर शाम की है जब एक व्यक्ति की लाश मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपा मोड़ से बरामद हुई और मोहनपुर पुलिस ने इसे एक दुर्घटना करार देते हुए मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन आज परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया और इसमें बताया कि इसकी बकायदा एक व्यक्ति द्वारा इसे बुलाया गया एक मोहनपुर हाट में और उसके बाद इसकी हत्या करें चौपा मोड़ के पास इसके शव को फेंक दिया गया। इसी से रोषित ग्रामीणों ने आज देवघर के मुख्य पथ जो है दुमका और देवघर में उसको घंटों जाम रखा, तकरीबन 5 घंटे तक ये जाम लगा रहा और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल बेबस नजर आई और इनका साफ साफ कहना था कि जब तक पुलिस जो नाम ये दे रहे हैं उस पर FIR दर्ज नहीं करती है ये जाम को खत्म नहीं करेंगे, और आखिरकार पुलिस को उनकी बात माननी पड़ी और अब फिलहाल अब ये थाने में इसका FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जी दीप नारायण बहुत शुक्रिया आपका इसे तमाम जानकारी के लिए। तो हत्या के बाद जो तमाम लोग थे वो FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, पुलिस ने उनकी बात मानी है और फिलहाल जाम खुलवाया गया है। बड़ी खबर बाढ़ से मिल रही है, बाढ़ में पुलिस ने 2 वाहन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके पास से लूट का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। लुटेरों से पूछताछ में 2 दिन पहले राजेंद्र सेतु के पास हुई लूटपाट की घटना का भी खुलासा किया गया है। तो बाढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, पुलिस ने 2 वाहन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूट का माल भी पुलिस ने बरामद किया है। लुटेरों से पूछताछ में 2 दिन पहले राजेंद्र सेतु के पास हुई लूटपाट की घटना का भी खुलासा हुआ है, तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बाढ़ में 2 वाहन लुटेरों को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है और पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। तो बाढ़ से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है हमारे पास, पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जो गाड़ियों को लूटते हैं उनमें से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। तो बाढ़ पुलिस को इस वक्त बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। आगे बढ़ेंगे, बिहार शरीफ में एक छात्रा के अपहरण के विरोध में आक्रोशित लोगों ने SP आवास का घेराव किया। अपहरण मामले में पुलिस की लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश है, लोगों ने जहां SP से छात्रा को तलाश कराने की गुहार लगाई है वहीं उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। बिहार शरीफ के अली नगर से 9 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। अपहरित छात्रा की मां ने बिहार थाने में ये मामला दर्ज कराया था।
संजू बिहार थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 300 रुपए लिए गए। एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी ने और रुपए की मांग की। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किडनैपर्स का न तो पता लगा पाई और न ही लड़की को ढूंढ पाई है। तो अब बड़ी खबर नालंदा से है। यहाँ अभी तक नाबालिग लड़की का सुराग लगाने में पुलिस नाकामयाब रही है और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस ने रुपयों की मांग की। इस तरह के आरोप लग रहे हैं और ये पूरा मामला संजू बिहार थाने में एफआईआर दर्ज करने को लेकर हुआ है। तो नाबालिग छात्रा अपने घर से लापता है, किडनैपर्स उनको अपहरण की आशंका जताई जा रही है और उसकी माँ जब थाने में एफआईआर कराने के लिए पहुंची तो उनसे रुपयों की मांग की गई है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए के नेताओं ने आज पटना के बीजेपी ऑफिस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे, बिहार एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और बिहार आरएलएसपी के अध्यक्ष अरुण कुमार और बिहार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष शकुनी चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान चारों पार्टियों के अध्यक्ष ने एक सुर में चुनाव कार्य में लगे अफसरों पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। एनडीए नेताओं का कहना था कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी किसी व्यक्ति के कार्य कर रहे हैं, न कि सरकार के लिए। इनकी मांग थी कि बिहार निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई कर उन्हें चुनाव कार्य से तत्काल हटाए। तो गंभीर आरोप लगाया गया है एनडीए की तरफ से महागठबंधन के नेताओं पर और बिहार में जो अधिकारी लगे हुए हैं चुनाव कार्य को संचालित करने में उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं एनडीए के नेताओं ने। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एनडीए के तमाम नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा, प्रदेश अध्यक्ष हम और प्रदेश अध्यक्ष आरएलएसपी की मौजूदगी में ये बयान दिया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार सरकार के जो तमाम अधिकारी हैं वो वोटिंग के दौरान पक्षपात कर रहे हैं। तो सीधे सीधे सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है एनडीए के नेताओं ने। सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी हार को सुनिश्चित देख रहे हैं तो फिर से अपराधियों के बल पर मतदाताओं को भयभीत करना, प्रत्याशियों को भयभीत करना, डर और भय का माहौल पैदा करना और डर और भय का माहौल पैदा करके चुनावी व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करना, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करना जिससे निर्भीक और निष्पक्षतापूर्ण मतदान मतदाता न कर सके, ऐसा प्रयास बिहार की सरकार के द्वारा और उनके कुछ अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। हम लोग हर घटनाओं की जानकारी चुनाव आयोग को लगातार दे रहे हैं। कार्य की घटना कल की घटना है, नवादा की घटना जैसा कि अरुण राव ने कहा, तो इस ढंग से प्रशासन नाम की चीज को बिहार में लग नहीं रहा है और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी बौखला गए हैं या कहीं तो पगड़ा गए हैं। एक तरफ से अपनी हार को स्वीकार करते हुए जितना एनडीए का उम्मीदवार है सब पर किसी न किसी रूप से वो हमला करवा रहे हैं। परिणाम जो आने वाले हैं उसका साफ संकेत है कि सत्ता पक्ष के लोग घबराए हैं, हताशा हैं, हताशा के शिकार हैं और अधिकारियों की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। टिकारी में हुआ सपनी बाबू ने बतलाया है, मैं खुद स्पॉट पर गया था घटना की सूचना मिलने के बाद, मीडिया के लोग भी वहां गए, पत्थरों का अंबार सड़कों पर, एक पुलिस जीप वहां लगी हुई है जो फुटेज किसी ने कैमरे में लिया है, कई जगह व्हाट्सएप पर भी गया है, साथ पुलिस जीप उस भीड़ में है, पुलिस नहीं दिख रही है, अगल बगल खड़ा होकर के वो इंस्टिगेट कर रही है मॉब को, मारो मारो मारो, और डीएसपी ने कहा कि अब काम हो गया तुम लोग निकलो, ये सारी बात फुटेज में आई है। जहां हमारे वोट होते हैं वहां पर उनके जो कर्मचारी हैं चुनाव में लगाए गए हैं वो तो वोट को शिथिल करते ही हैं और जो उनके एसपी डीएसपी और मैंने जो कर्मचारी लोग हैं, बड़ी शर्म आती है कि ये पदाधिकारी सरकार के वफादार नहीं हैं, ऐसे लोग लीडरों के वफादार हो गए हैं जो एक शर्म की बात है। होना चाहिए सरकार का वफादार, इलेक्शन कमीशन का वफादार,
इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डंटा नहीं खड़कने के कारण ये लोग अपनी मनमानी पर रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं आग्रह करता हूँ कैसे पदाधिकारी को आज ही सस्पेंड करें और नहीं तो कम से कम इसको लाइन हाजिर करावे, क्योंकि कल के चुनाव में ये भारी धांधली कर सकते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना पहुंचे राजबब्बर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। बातचीत करते हुए उन्होंने माना कि प्रधानमंत्री मोदी ने दादरी घटना पर अफसोस जाहिर कर दुरुस्त काम किया है, जबकि इसी को लेकर विपक्ष ने मोदी पर जमकर हमला बोला है। राजबब्बर से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजबब्बर साहब। राजबब्बर साहब, प्रधानमंत्री ने दादरी वाले मामले पर अफसोस जाहिर किया है। देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले करना चाहिए। देश को इस माहौल में पैदा बढ़ना ही नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं उनसे देरी हुई है, जिसकी वजह से जो है पूरे देश के अंदर क्षोभ जो है प्रकट किया गया है। लेकिन जब उन्होंने बोल ही दिया तो इतना हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है? किस बात की हायतोबा? वो तो हायतोबा तो उनसे पूछना जिन्होंने बोला है, इसका मतलब उनसे इस बात को समझने की कोशिश की उन्होंने, उनको समझ में आ रहा है कि देश का रुख क्या है। सर, जो लालू यादव बयानों में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोले, जिन शब्दों का यूज कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है सर? किधर है? अच्छा, अलग गाड़ी। तो राजबब्बर इस मामले पर कुछ नहीं बोलते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। चलिए, गुलाम नबी आजाद साहब है, लेकिन फिलहाल इस मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दादरी वाले मामले पर बयान दिया, उसके बाद जिस तरीके से राजनीति शुरू हो गई है, वाकई बिहार विधानसभा चुनाव का मौका है और इस मामले पर विपक्ष तूल देने में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। कैमरा मैन धर्मेंद्र के साथ आनंद मिताजी, मीडिया पटना। तो दादरी है कि बिहार के चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर तैर रहा है और हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आगे बढ़ेंगे। अगर आप रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद में रहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इन 6 शहरों में घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये गैस कंपनियों को भी मुहैया कराई जाएगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गैल के जरिए ये काम किया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गेल और राज्य सरकार के बीच गैस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और गेल के चेयरमैन बीसी त्रिपाठी भी मौजूद रहे। जिसे पर साइन होने के बाद राज्य सरकार गेल को भूमि उपलब्ध कराएगी। गेल इस भूमि का इस्तेमाल केवल 5 मीटर नीचे तक पाइपलाइन बिछाने में करेगा। इसके बाद भूमि के मालिक भूमि का इस्तेमाल पहले जैसा ही कर सकेंगे। झारखंड में वाहनों के लिए गेल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG भी उपलब्ध कराएगा। इससे वाहनों से प्रदूषण कम होगा। वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG उपलब्ध कराई जाएगी। PNG की उपलब्धता पर LPG सिलेंडर की जरूरत नहीं रहेगी। उपभोक्ताओं के घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 साल से ज्यादा समय तक भारतीय पेस अटैक के हीरो रहे जहीर खान आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे। BCCI अधिकारी राजीव शुक्ला ने ट्वीट करके इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। शुक्ला ने जहीर को संन्यास के बाद के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जहीर खान IPL में खेलना जारी रखेंगे। जहीर खान ने 3 अक्टूबर 2000 को नैरोबी में केन्या के खिलाफ वनडे में पदार्पण किया था। उस यादगार मैच में जहीर ने 48 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे। जहीर ने अब तक भारत के लिए कुल 200 वनडे मैच खेलकर 282 विकेट हासिल किए हैं। वहीं 2000 में ही बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। जहीर ने 92 मैच खेलकर 311 विकेट लिए हैं। तो मैं आपको बता दें कि जहीर खान का शानदार करियर रहा है और बहुत सालों तक वो भारतीय अटैक के हीरो रहे हैं। उन्होंने 282 विकेट हासिल किए हैं 200 मैच खेलकर, और जो उनका बेस्ट स्कोर है वो 42 रन देकर 5 विकेट हासिल करना है। तो ये शानदार खिलाड़ी आज अपने खेल को अलविदा कहने जा रहा है। अगर बात करें T20 करियर की, तो 17 मैच में उन्होंने 17 विकेट लिए हैं और जो उनका बेस्ट है वो 19 रन पर 4 विकेट है। तो जहीर खान भारतीय अटैक के एक बड़े हीरो आज अपने खेल को अलविदा कहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेंगे जहीर खान। 4 विकेट लिए हैं उन्होंने 19 रन देकर T20 के करियर में। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर गेंदबाजी करते थे। और यही नहीं, जब वक्त आता था
तो बल्लेबाजी भी बेहतर कर लेते थे जहीर खान।